है गाइस, ये बच्चे क्या कर रहे हो? बच्चे हाई कर दो, हाई कर दे। अरे दुपट्टा तो हटा उधर, ये क्या ऐसा कर रखा? हाँ ये कई कौन सी बच्ची घूमने के लिए आए? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? इंदौर से। चलो ठीक है, देखो दोस्तों कितना शानदार बना हुआ है ये, बिल्कुल ये काय का बना हुआ है, इतना मजबूत दिख रहा है, बहुत ही शानदार, एक नंबर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बना वाले पकड़, इसको लेके आ गया अपन भी, उधर ही रख देना था। खेत में वीडियो बना रहा, ब्लॉग वाला हूँ यार। क्यों राहुल, राहुल भैया बताया कि नहीं? ब्लॉग वीडियो बनाते बनाते बीच में फोटो खींचूंगा ना, मजा नहीं आएगा। हाँ समझा करो जरा, ये देखो मंदिर दोस्तों, चले हाँ चलो चलो, नर्मदा दिखा देता, ठीक है आपको नर्मदा जी दिखा देता हूँ। इधर से नर्मदा जी है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से माता देवी अहिल्या पूजा करती थी दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ मैं इधर से। ये पूरा किला बना हुआ है फोर्ट, और ये ऊपर देखो, और यहाँ से बिल्कुल नर्मदा जी शानदार दिखती है, देखो वो बीच में एक मंदिर के साथ शानदार, बिल्कुल नर्मदा जी के बीच में बना हुआ है। और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी नाव भी बहुत सारी खड़ी है, और सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों यहाँ पे टिकट नहीं लगती, ठीक है आप देख सकते हो कितना शानदार है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, कितना शानदार बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर घूम घूम के गर्मी हो गई है। और ये देखो भाई लोग भी बढ़िया फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर चकाचक होके। ये श्री राम मंदिर, श्री राम मंदिर भी देख लेते हैं दोस्तों, जय श्री राम। ये जय श्री राम देवी अहिल्या, ये वही मंदिर है जहाँ पर माता देवी अहिल्या पूजा करते थे दोस्तों, अंदर नहीं जाने दे सकते वहाँ, इसलिए तो अंदर भी बताते आपको। इधर पूरा किला बना हुआ, देखो ऊपर भी जा सकते वहाँ से, वो लोग जा रहे हैं, और कितना शानदार बना हुआ है यार, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और इसके पीछे से यहाँ से नर्मदा जी भी बहुत अच्छी दिखती है दोस्तों, नर्मदा जी उधर देखो, बिल्कुल नर्मदा जी भी दिखती है, और शानदार। चले आता एक चला, ये ताला लग जाएगा यहाँ।